CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम हमारे मित्र मधुपंत द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, ये कहानी है रामलाल की। रामलाल फल बेचा करता था। वो एक ठेले पर तरह तरह के फल रखता और फिर आवाज लगा लगा कर फल बेचता। केले लो, अमरूद लो, संतरा लो। रामलाल बड़ी मेहनत और लगन से अपना काम करता था। वो खूब अच्छी तरह देखकर फल लेता और उसे अच्छे फलों की बहुत पहचान थी। पता है वो अच्छे फलों की पहचान कैसे करता था? अरे भाई, अपनी नाक से फलों को सूंघता और फौरन पहचान लेता कि कौन सा फल अच्छा है और कौन सा खराब। कभी कभी वो फलों को चखकर भी देखता था। पता है वो फलों को क्यों चखता था? इसलिए कि फलों के स्वाद का पता लग जाए। बच्चों, एक दिन की बात है, रामलाल ने जब अपने सारे फल बेच लिए तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी उसकी आंख, कान, नाक और जीभ में होने लगी बातें। सबसे पहले आंख बोली, मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी हूँ। मैं सबसे ज्यादा जरूरत की चीज जो हूँ, इसीलिए तो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर रामलाल की दोनों आंखें गाने लगीं। हम आंखें कितनी प्यारी हैं, हम आंखें कितनी प्यारी हैं, हम तुम सबसे ही न्यारी हैं, हम आंखें कितनी प्यारी हैं। हमी सभी को राह दिखाती, सुबह शाम का भेद बताती, आँखों के रहते कैसे, चलते और दौड़ते कैसे, खेल खिलौने बाग बगीचे, हाथी घोड़े दिखते कैसे, हम आँखें कितनी प्यारी हैं, हम आँखें कितनी प्यारी होती, सारी दुनिया अंधी होती, दिखता कभी नहीं उजियाला, चारों तरफ अंधेरा काला, हम आंखें कितनी प्यारी हैं, हम आंखें कितनी प्यारी हैं। आंखों की ये बात सुनकर नाक से चुप न रहा गया। वो अपनी आवाज में बोली, अरे आंख, आंख के बिना तो काम चल भी सकता है, पर बिना नाक के तो एक पल भी नहीं रहा जा सकता। मैं सांस लेती हूँ, तभी तो सब जिंदा रहते हैं। इसके अलावा मैं सूंघने का काम भी तो करती हूँ। चीजों को सूंघ कर ही तो बताया जा सकता है कि ये चीज अच्छी है या खराब, और चेहरे की सुंदरता भी तो मैं बढ़ाती हूँ। अगर मैं ना होती तो लोग कितने बदसूरत लगते। इतना कहकर उसने गाना शुरू किया। मैं चेहरे के बीचों बीच, मैं हूँ
तो नाक की ये बातें भला जीभ को कैसे सहन होती? वो फौरन बोली, जरा सोचो, जीभ के बिना किसी का थोड़ी देर भी काम चल पाएगा? असल में मेरे बिना कोई नहीं रह सकता, मैं ही खाते समय काम आती हूँ। तरह तरह के स्वाद बताती हूँ, मैं ही बोलने में मदद करती हूँ। मेरे बिना ना आदमी बोल पाएगा और ना हर तरह के स्वाद ही बता पाएगा। अब तुम ही बताओ, क्या बिना भोजन के कोई रह सकता है? क्या बिना बोले आज तक कोई रह सका है? इतना कहकर जीभ ने शुरू किया अपना गाना। कर ली तुमने अपनी बात, मुझे न दे सकते परमात। कर ली तुमने अपनी बात, जीभ बिना तुम क्या बोलोगे, अपना मुंह कैसे खोलोगे। कर ली तुमने अपनी बात, मुझे न दे सकते परमात। नए नए मैं स्वाद चखाती, मैं भोजन का स्वाद बढ़ाती। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा और चरपरा, तीखा भोजन तुम्हें बताती। ये जुबान ही अगर न होती, भाई ये जुबान ही अगर न होती, बोल नहीं ना भाषा होती। बिना स्वाद का भोजन करते, गूंगे के गूंगे कहलाते। अब कान जो इतनी देर से इन सब की बातें सुन रहा था, तुरंत बोला, अगर मैं न होता तो तुम सब एक दूसरे की बात सुनते कैसे? बिना कानों के तो सारी दुनिया ही बेकार हो जाती। तुम सब लाख बोलते पर मेरे बिना किसी के कानों पर जूं ही न रेंगती। ये कहकर कान ने गाना शुरू किया। मैं हूँ कान, मैं हूँ कान, मैं हूँ कान, मैं हूँ कान, सदा सभी के आता कान। मैं सुनवाता हूँ आवाजें, टन टन खन खन गाजे बाजे। अगर नहीं ये होते कान तो दुनिया हो जाती बेकान। कोई भी आवाज न सुनते और बहरे के बहरे रह जाते। इस तरह से बातें करते करते आंख कान नाक और जीभ में हो गई लड़ाई। सभी अपने को दूसरे से बड़ा बताने लगे। अब आंख बोली, ठीक है, मैं अपना काम बंद कर देती हूँ, फिर देखूं कैसे चलता है रामलाल का काम। तो आंख ने देखना बंद कर दिया। रामलाल घबराकर बोला, नहीं भाई आंख, तुम अपना काम करो, मेरा तो तुम्हारे बिना जरा भी काम नहीं चलेगा। तभी नाक बोल उठी, अच्छा तो मैं भी अपना काम करना बंद करती हूँ। ये कहकर नाक ने कर दिया अपना काम बंद, यानी सांस लेना भी बंद कर दिया और सूंघना भी। अब रामलाल बोल उठा, नहीं भई नाक, मेरा काम तो पल भर भी तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। बिना सांस लिए कोई नहीं रह सकता, मुंह से सांस लेने में तो धूल मिट्टी अंदर चली जाती है, जबकि नाक के बाल धूल मिट्टी को रोक देते हैं। इसके अलावा मैं तो सूंघ सूंघ कर ही फल लेता हूँ, मेरा काम तुम्हारे बिना कभी नहीं चलेगा। अब जीभ बोली, ठीक है तो लो, मैंने कर ली अपनी जीभ बंद,
रामलाल ये सुनकर फिर बोला, अरे भाई जीभ के बिना तो बातचीत ही नहीं हो सकेगी, मैं कैसे अपना काम करूंगा। नहीं भाई, मेरा तो जुबान के बिना रहना मुश्किल है। अब ये सुनकर कान बोल उठा, अच्छा भाई मैं ही सबसे छोटा हूं, तो लो मैंने अपना काम करना बंद कर दिया, अब मैं सुनूंगा ही नहीं। रामलाल ये सुनकर बोला, भाई कान मेरा काम तो तुम्हारे बिना भी नहीं चल सकता, बिना आवाज के सुने कोई रह भी सकता है? और फिर रामलाल ने कहा, देखो भाई तुम चारों ही तो मेरे साथ ही हो, बिना आंख के मैं अंधा हो जाऊंगा, बिना नाक के नकटा, बिना जीभ के गूंगा बन जाऊंगा और बिना कान के बहरा। नहीं भाई नहीं, तुम चारों की ही मुझे जरूरत है, सबका अपना अपना काम जरूरी है, लड़ाई को छोड़कर सब मिलजुल कर रहो तो कितना अच्छा हो। अब रामलाल की ये बात आंख नाक जीभ और कान की समझ में आ गई और फिर वे चारों बोले, प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।